इस पेस्ट की लेयर को हम एक कांच की बॉटल के ऊपर अनइवन तरीके से लगा देंगे और इसे सूखने के लिए रख देंगे। इसके ऊपर हमने इसको मेटालिक लुक देने के लिए सबसे पहले ब्लैक एक्रेलिक कलर किया है। ब्लैक एक्रेलिक कलर का कोट सूख जाने के बाद हमें इसे कॉपर कलर का कोट करेंगे। इसमें हम एक कलरफुल धागे की सहायता से इसमें अच्छे से नॉट लगा देंगे। इसके लास्ट पॉइंट पे हम कोई भी डेकोरेटिव मोती लगा देंगे। फिर इसे फ्लावर पॉट का लुक देने के लिए हम इसे मोर पंख से सजा देंगे। हमारा पॉट तैयार है। सेकेंड डेकोरेटिव आइटम हमारा एक स्मॉल मिरर है जिस पे हम सबसे पहले प्राइमर का कोट करेंगे। प्राइमर के सूख जाने के बाद में हमें इसे पर्ल ब्लू कलर करना है। इसके बाद में हमने इसे लाइट पिंक और व्हाइट कलर के क्रिस्टल से सजाया है। इसके बाद हम इसे एक सिल्वर लेस से सजा देंगे। हमारा थर्ड डेकोरेटिव आइटम एक
दीपक स्टैंड है। इसके लिए हमने एक मिट्टी का छोटा दीपक स्टैंड लिया है। इसके ऊपर प्राइमर का कोट किया है। प्राइमर के कोट करने के बाद कलर में शाइन अच्छे आती है। प्राइमर के सूख जाने के बाद में हमने इसके ऊपर लाइट येलो कलर किया है। और इसके नीचे वाले बेस में हमने लाइट ग्रीन कलर किया है। इसके बाद में हमने इसे आर्टिफिशियल फ्लावर से डेकोरेट किया है। इसके बाद में हमने इसके सेंटर में एक कैंडल स्टैंड लगाया है। इसके अंदर हम कैंडल रखेंगे। इसके बाद में हम इसे पर्ल से सजा देंगे। इसके लिए मैंने एक बांस की टोकरी ली है। इसके सेंटर में मैंने बुद्धा का एक मॉडल रखा है। मॉडल के सराउंडिंग मैंने कलरफुल स्टोन्स रखे हैं। बुद्धा के बैकग्राउंड को सजाने के लिए मैंने आर्टिफिशियल लीव्स रखी हैं। बुद्धा के सामने हमने एक डेकोरेटिव कैंडल रखी है। बुद्धा की टोकरी के नीचे हम डेकोरेटिव स्टोन्स रखेंगे। इसके सेंटर में भी हम डेकोरेटिव कैंडल रख देंगे।